नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूं डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन आगरा पर और यहां से ताजमहल कैसे जाया जाए वो आपको दिखाने वाला हूं। आप देख रहे हैं सामने आगरा का मशहूर फोर्ट जो कि आगरा के लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आगरा फोर्ट से ताजमहल तक मेट्रो द्वारा कैसे जाया जाए, आइए उस रूट की शुरुआत करते हैं और मेट्रो के अंदर चलते हैं। ये है सेंसर वाला गेट मेट्रो स्टेशन का, पास में आते ही शीशे वाले गेट ओपन हो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन क्योंकि भूमिगत बना हुआ है, अंडरग्राउंड बना हुआ है, तो इसका टिकट लेने के लिए हमको नीचे की ओर इसके बेसमेंट में जाना होगा और वहां से हम इसका टिकट ले लेंगे। सामने टिकट काउंटर है। टिकट खरीद लेने के बाद में जब हम इस मेट्रो स्टेशन में अंदर की ओर आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा नज़ारा इस मेट्रो स्टेशन का देखने को मिलता है। दीवार पर आप देखेंगे दोनों तरफ ग्लास पेंटिंग से यह स्टेशन सजा हुआ है। पैसेंजर के लिए सामने ही वॉशरूम की फैसिलिटी भी दी हुई है और डॉक्टर अंबेडकर चौक से नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन जिसका नाम है ताजमहल, वहाँ तक जाने के लिए 10 रुपये का टिकट लगता है। Attention please, train 2, Lucknow Regional Mandir, is going to enter platform number 2. मेट्रो में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें आप पढ़ करके अपने उस मेट्रो स्टेशन तक जा सकते हैं कि आपको जहां तक जाना है। सामने वाले 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर मन कामेश्वर मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाली भी ट्रेन आ चुकी है। अगर आप आगरा का प्रसिद्ध मन कामेश्वर मंदिर भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इस मेट्रो से जा सकते हैं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ताजमहल की ओर जाने वाली मेट्रो ट्रेन आ रही है, तो आइए दोस्तों इस मेट्रो में बैठकर ताजमहल की ओर चलते हैं और इस मेट्रो का भी सवारी का लुत्फ लेते हैं। तो देखते हैं इसका अंदर का इंटीरियर भी कैसा है। तो लीजिए, गेट खुल चुका है और अंदर यहाँ मैं एंट्री ले चुका हूँ। ट्रेन बिल्कुल खाली नज़र आ रही है और आपकी जानकारी में बता दूँ, आगरा में चलने वाली इस मेट्रो में टोटल 4 कोचेस लगे हुए हैं। अभी इसमें कोई ज़्यादा पैसेंजर नहीं है, कुल मिला के 5-7 पैसेंजर ही दिखाई दे रहे हैं जो कि इसमें मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं। तो ट्रेन चल पड़ी है और ये वाला मेट्रो स्टेशन भी अंडरग्राउंड बना हुआ है और सामने मैप भी लगा हुआ है, उस पर हर मेट्रो स्टेशन की जानकारी लिखी हुई होती है। अंदर से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है और सामने ये USB पॉइंट भी है और एक ये सामने डिस्प्ले बोर्ड भी है जिस पे मेट्रो स्टेशन का नाम और टाइमिंग वगैरह भी लिखी हुई नज़र आ रही है। तो कुछ ही पलों में हम लोग ताजमहल के मेट्रो स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। तो इसके रुकने के बाद में आइए चलते हैं बाहर की ओर और देखते हैं बाहर का नज़ारा प्लेटफॉर्म का किस तरह का हैगा। तो प्लेटफॉर्म पर बाहर आते के साथ ही बहुत ही नीट एंड क्लीन ये वाला मेट्रो स्टेशन नज़र आता है। येलो लाइन की ये मेट्रो ट्रेन हैगी। एक इंफॉर्मेशन आपके साथ और शेयर कर देता हूँ कि अभी ये जो मेट्रो ट्रेन का जो संचालन चल रहा है वो हैगा मन कामेश्वर मंदिर से लेकर के ताज ईस्ट गेट तक का, जिसमें 6 मेट्रो स्टेशनों पर अभी ये मेट्रो ट्रेन आ और जा रही है और इसका अभी सेकंड फेज में काम होना बाकी है। उससे आगरा के और भी कई सारे मेट्रो स्टेशन से इसका रूट मैच हो जाएगा मिक्स। ताजमहल का ये मेट्रो स्टेशन भी अंडरग्राउंड बना हुआ है और इसलिए इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए मैं एस्केलेटर का सहारा लेकर ऊपर जाऊंगा और साथ में सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। तो जो जिस सुविधा के अनुसार ऊपर के फ्लोर पे जाना चाहता है वो वैसी फैसिलिटी को यूज़ करते हुए ऊपर के फ्लोर तक आ सकता है। यहाँ के ऊपर वाले फ्लोर पर जब मैं पहुँचा तो एक बात से मैं चौंक गया क्योंकि यहाँ पर आने के बाद कुछ हिंदी फिल्मों के गाने भी सुनने को मिले। अगर दिल्ली मेट्रो से कंपेयर किया जाए तो दिल्ली मेट्रो के किसी भी स्टेशन पर गाने नहीं सुनने को मिलते हैं। इस स्टेशन पर भी वैसी ही ग्लास पेंटिंग लगी हुई है जैसी पिछले वाले मेट्रो स्टेशन पर लगी हुई थी।
और सामने ही एक यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है जिस पे कि अलग अलग मेट्रो स्टेशनों के बारे में लिखा और बताया गया है कि ये किस तरह से कब और कैसे इनका निर्माण हुआ और माननीय योगी जी ने इसका उद्घाटन किया था। मेट्रो स्टेशन की खूबसूरती को निहारते हुए मैं आ चुका हूँ अब एग्ज़िट पॉइंट की ओर और यहाँ पर अपना मैं टिकट स्कैन कराने के बाद में बाहर आ चुका हूँ और मेट्रो स्टेशन की स्वच्छता इसी प्रकार बनी रहे ये सब हम यात्रियों का ही जिम्मेदारी होगी जिसको अब हमें अच्छे से निभाना होगा ताकि हम मेट्रो स्टेशन और आगरा की सफाई में अपना भी सहयोग दे सकें। तो दोस्तों चलते हैं अब एस्केलेटर का सहारा लेकर के ऊपर की ओर और अगर आप एस्केलेटर यूज़ ना कर सके तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनको यूज़ करते हुए भी आप यहाँ पर ऊपर आ सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं ताजगंज के मेन गेट की ओर। टॉप फ्लोर पर आ जाने के बाद में मुझे ये सामने लिफ्ट वाला एरिया भी नज़र आया और इस लिफ्ट को जो भी पैसेंजर यहाँ पर आते हैं वो नीचे जाने के लिए या नीचे से ऊपर आने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बाहर चलते हैं ताजमहल जाने के लिए। और लीजिए बाहर आने के बाद में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पर ही ताजमहल है जो कि यहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ताजमहल वीडियो दिखाऊंगा।